विदिशा जिले के ग्यारसपुर में पूर्व विधायक निशंक कुमार जैन ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने कोरोना काल को लेकर चर्चा की। पूर्व विधायक ने मांग की है कि कोरोना वायरस संक्रमण ग्रामीण क्षेत्रों में रोकना होगा, इसके लिए गांव में ही जांच के इंतजाम किए जाने चाहिए। 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों को ग्राम पंचायत स्तर पर ही वैक्सीनेशन कराया जाए। ग्राम पंचायत भवनों में आइसोलेशन केंद्र बनाए गए हैं, वहां भी आपातकाल के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर रखे जाना चाहिए। हैदरगढ़ में कोविड सेंटर बनाया जावे, कोविड पॉजिटिव मरीज के पलंग पर ऑक्सीजन सिलेंडर कंसंट्रेटर मशीन रखी जावे, कुंभ स्नान कर लौट कर आए तीर्थ यात्रियों की जांच की जावे। कोविड-19 में उपचार के लिए भर्ती संक्रमित मरीजों को शासन की स्वीकृति राशि से विटामिन युक्त और पौष्टिक आहार दिया जावे। कोविड सेंटर पर बिजली गुल होने की जानकारी मिल रही है, यहां जनरेटर की व्यवस्था की जाए। ग्यारसपुर कोविड सेंटर पर MBBS डॉक्टर की पद स्थापना की जाकर नर्स स्टाफ बढ़ाया जाए। विदिशा ग्यारसपुर से आशीष सहले की रिपोर्ट। जिनके नाम आए वो बड़े दुखद है, कम से कम वो अभी हमारे जिले में ऐसी कोई बात संज्ञान में नहीं आए। साथ में मैं प्रेस क्लब के अध्यक्ष अनीस भाई का आभार व्यक्त करता हूँ, उन्हें धन्यवाद देता हूँ कि पूरे आप ग्यारसपुर में सैनिटाइज कर रहे हैं। साथ में हमारे एक और साथी मुजाहिद भाई, हम सेमरा टप्पा वालों का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहेंगे कि वो ऐसी आपदा में निश्चित तौर पर जनसेवा के काम में लगे हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने, कमलनाथ जी ने हम सबको निर्देश दिए कि जिससे जो बने, जो जिस हैसियत से है, अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आम लोगों की सेवा करें, पीड़ितों की सेवा करें, उसके लिए कांग्रेस पार्टी लगातार प्रयास कर रही है। कि हम इस चुनाव से बचा जा सकता, क्योंकि इस चुनाव के जीतने से ना तो सरकार की सेहत को कोई फर्क पड़ता, हारने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और जीतने से भी कुछ उनका नुकसान नहीं हुआ, फायदा कुछ नहीं होता। जहां तक हम दुकानदारों की बात करें तो छोटे दुकानदारों से चंदा नहीं मिलता ना, बड़े दुकानदारों से किराने वाले के यहाँ से किराना आ रहा है, अधिकारियों के लिए होटल वालों के यहाँ से चाय नाश्ता आ रहा है, कोल्ड ड्रिंक आ रहा है, आइसक्रीम आ रही है, उनको संरक्षित है और बाकी गरीबों को तो मिटाने का काम किया जा रहा है। हमने तो कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है, जब आप पे मशीन ही नहीं है नापने की, थर्मामीटर ही नहीं है टेम्परेचर लेने का, तो ये तो किल कोरोना है। मुख्यमंत्री जी के लिए टीवी उत्सव है, समाचार पत्र उत्सव है, टीवी पे तो जरूर किल कोरोना हो रहा है, आंकड़ों में ड्यूटी लग रही है किल कोरोना की, मगर आप भी ग्यारसपुर में जिनकी दल की ड्यूटी लगी है, आप सब लोग ग्यारसपुर में रहते हैं, आप हैदरगढ़ क्षेत्र में रहते हैं, मदनई गांव में आप, धामनोद में रहते हैं, क्या आपके यहाँ जो दल आया उस दल के पास ऑक्सोमीटर की मशीन थी? क्या टेम्परेचर नापने के लिए थर्मामीटर था? जब ये दोनों बेसिक चीज नहीं है तो किस बात का किल को गोला बनाते हैं, सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाते हुए गोला बना रहे थे इंदौर में, और उन्होंने कहा था कि इस गोले के अंदर आदमी रहे, तो जब क्या इंदौर मध्य प्रदेश में नहीं है, क्या ग्यारसपुर मध्य प्रदेश में नहीं है, क्या गंज बांसुदा मध्य प्रदेश में नहीं है? जब इंदौर, बांसुदा और ग्यारसपुर सब मध्य प्रदेश में है, तो चाहे छोटा दुकानदार हो, चाहे मटके वाला हो, चाहे होटल वाला हो, जिसकी जो टाइमिंग है उस टाइमिंग में वो दुकान खोले और प्रशासन गोले बना दे कि आपके यहाँ यदि कोई कस्टमर आता है तो वो उस गोले के अंदर खड़ा हो, और एक सा कानून होना चाहिए, यदि बड़े आदमी के लिए अलग और गरीब और मध्यम वर्ग के लिए अलग नहीं होना चाहिए। कोरोना वॉरियर्स में जो अधिमानता पत्रकारों, अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों को जोड़ा है, मेरी एक उसमें मांग है कि अधिमान्यता प्राप्त पत्रकार किसी जमाने में नहीं भी रहा, मैं सिर्फ अपने ऑफिस में बैठता था, मगर जो टीम फील्ड में काम करती है, चाहे वो हमारे पेपर बांटने वाले, चाहे फोटोग्राफर हो, चाहे संवाददाता हो, बेसिकली सबको मिलाकर एक ऑफिस बनता है, सब विंगों को मिला के एक ऑफिस बनता है, तो अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों के साथ साथ जो लोग भी इस लाइन में काम कर रहे हैं, जो
चाहे वो फोटोग्राफर हो, पेपर बांटने वाले हो, संवाददाता हो, कोई भी हो, उन सबको भी उसी तरह की सहायता वक्त पड़ने पर मिलना चाहिए जो एक कोविड वेरियंट को सरकार। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।